मुझे तो ऐसा लगता है इफ यू कैन टेक सम वर्ड आउट ऑफ इट, श्रीमद् भागवतम में से कोई एक शब्द यदि आप उठा सकते हो, जैसे मैंने ये फूल उठा लिया, इस तरह से मैं एक कोई शब्द यदि उठा सकता हूं इस पोथी से, और फिर उस शब्द को यदि मैं निचोड़ सकूं, दबाऊं, जैसे ग्रेप्स है उसको मैं दबाऊं, तो वो जो जूस निकलेगा हर शब्द से, उसका नाम है भक्ति। भागवत का प्रत्येक शब्द भक्ति से ओतप्रोत है, भक्ति से भिगा हुआ है, भक्ति वाला रस ही इसमें है। इसलिए कहा है पिबत भागवतम रसमालयम, रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमत तो श्री संपत्ति धन, फॉर स्पिरिचुअल पीपल दिस इज द रियल वेल्थ, फॉर स्पिरिचुअल पीपल they would not find beauty like this anywhere else in the world. For spiritual people, Shri means the devotion. Shrimad Bhagavat bhakti pradhan granth chhe, yes, itla mate ama je malshe bhakti. Isliye Bhagavat ke ant mein bhi kya maanga hai Bhagavat se, bole jiske paas jo hota hai wahi maangna chahiye. जेनी पासे जे होय ज मगाय ने, तो भागवत पासे शू माग्यू, छेल्ले भागवत मां लख्यू छे, लुक एट द लास्ट फ्यू वर्सेस ऑफ श्रीमद् भागवतम, व्हाट व्यास देव आस्क्ड फॉर, लिखा है भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभु। भवे भवे यथा भगवान, हर जन्म में आपके चरणारविंद की भक्ति हमें प्राप्त हो। भवे भवे द डिवोटी द भक्त डज नॉट आस्क फॉर सल्वेशन, ही हैज नो एनी इंटरेस्ट इन सल्वेशन, इनफैक्ट वो संसार से मुक्त है ही है क्योंकि वो कृष्ण से युक्त हो गया। भक्त है जो अविभक्त है, विभक्त नहीं, कृष्ण से जुदा नहीं है, कृष्ण से जुड़ा है, भक्त है। अने जे भगवान साथे जोड़ायो ए संसार थी मुक्त थयो ज, पण एने मुक्ति नथी जोती, अने एटला माटे भवे भवे अमने वारंवार जन्म मळे, अने दरेक जन्म मां हे प्रभु आपना चरणारविंद नी भक्ति मळे। એટલા માટે નરસિંહ મહેતા પણ એક ભક્તની ભૂમિકાથી કહે છે હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મો જન્મ હરિ जन्मो जन्म
जन भक्ति पदार्थ हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे. एंड दैट्स व्हाई इट इज रिटन देयर भवे भवे यथा भक्ति. जे पण जन्म मने मळे चाहे प्रभु आपना चरणारविंदनी भक्ति मळे. भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश. हे प्रभु ऐसा करिए, ऐसी कृपा करो. तो जिसके पास जो है वो मांगते हैं हम. भगवान के पास तो सब कुछ है, लेकिन भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है भक्ति. और भक्त सिवाय भक्ति के और कुछ भगवान से नहीं चाहता. देखो कुछ लोग तो डिवोटीज ऐसे होते हैं जो भगवान से चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान को चाहते हैं. हम किस कैटेगरी में? कुछ ऐसे भी होते हैं भगवान से भी चाहते हैं और भगवान को भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान से ही चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते. अच्छा, पत्नी पति को भी चाहे और पति से भी चाहे, ठीक है. पति से नहीं चाहेगी तो क्या पड़ोसी से चाहेगी? नवी साड़ी लेवानी हुई तो पड़ोसी ने थोड़ी कैसे है, तो पति ने ज कहवानू है. एम गणानी सकाम भक्ति होए, पणी मांगे तो भगवान पासे, बीजा कोई नहीं पासे हाथ लंबो न करे. जननाथ कहो यानी हमें हाथ फैलावे. भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जाए. लेकिन पति से चाहे और पति को न चाहे तो कहो प्रेम कहां रहा? वो तो केवल स्वार्थ हो गया. लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान से चाहते हैं तो भगवान के अतिरिक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहते. ये अद्भुत प्रेमी है जिनको भगवान से भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए. ऐसे अनन्य जो भक्त हैं वे भगवान को बहुत प्यारे हैं.